गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे बड़ा है छोटा है की पहचान करना और चिन्ह को लगाना। ठीक है, तो हम किसे बड़ा है छोटा है कहेंगे, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए। जैसे यह एक बड़ी रोटी है और यह एक छोटी रोटी है। ठीक है, तो आप कौन सी रोटी खाना पसंद करेंगे, यह बड़ी वाली या छोटी वाली? मुझे पता है आप बड़ी रोटी ही खाएंगे, मतलब आपका मुंह बड़ी रोटी की ओर पहले जाएगा। नहीं, बड़ी रोटी आपको पहले खानी है। तो इस तरह से अगर इसी को हम बदल दें, इधर छोटी रोटी और इधर बड़ी रोटी, तो आप किस रोटी को लेंगे? यह भी मुझे पता है आप इस रोटी को खाएंगे, तो मुंह को उधर खुला रखिए। तो बस यही चीजें हमें करनी है और हम देखेंगे। हमने लिया है एक अंक की संख्या, सिंगल डिजिट नंबर, और इनमें हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो चलिए, यह है पांच। तो चलिए मैं पांच लड्डू बनाता हूँ, एक दो तीन चार पांच, और इधर है सात, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब आप बताओ, आप पांच लड्डू खाना चाहेंगे या सात लड्डू? मुझे पता है आप सात लड्डू ही लेंगे। क्यों सात लड्डू लेंगे? क्योंकि सात जो है ज्यादा है, तो आप सात लड्डू लेंगे। सात बड़ा है, सात ज्यादा है और पांच छोटा है। तो देखिए, बड़े की ओर इसका मुंह खुला हुआ है और छोटे की ओर बंद है। जैसे हमने यहाँ किया था, छोटे की ओर मुंह बंद है और बड़े की ओर खुला है। ठीक है, तो चलिए, आपने सात लड्डू ले लिया या सात लड्डू आपने खाना चाहा, खोल लिया सात की ओर। नहीं, उसी तरह से चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है चार, चार लड्डू कर लीजिए, और इधर है दो, केवल दो। कितने आप इससे लेना चाहेंगे? चार ज्यादा है, चार लेना चाहेंगे? चार की ओर मुंह खुला, मतलब चार ज्यादा है दो कम है, या चार बड़ा है अधिक है और दो छोटा है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आठ और यहाँ चार, तो आठ लड्डू बनाते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और यहाँ है सात, एक दो तीन चार पांच छह सात। यह आठ लड्डू और यह सात लड्डू, तो आठ लड्डू एक ज्यादा हो गया ना, तो हम आठ की ओर मुंह खुला रखेंगे इस तरह से। आगे छह और नौ, तो चलिए, एक दो तीन चार पांच छह, छह लड्डू, और इधर है नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। कौन सा आपको ज्यादा लग रहा है, छह या फिर नौ? दिख रहा है नौ ज्यादा, तो नौ बड़ा है छह से, छह छोटा है कहें या नौ बड़ा है कहें? ठीक है, आगे चलते हैं, दो और छह में देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो दो, दो लड्डू हो गए, और यहाँ है छह, तो एक दो तीन चार पांच छह। अब बताइए, दो लेना चाहेंगे या पूरे छह? तो आपको, मुझे पता है आप छह लड्डू ही खाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है एक लड्डू और इस साइड है दो लड्डू, तो कौन से लेंगे, एक या दो? दो, तो दो की ओर मुंह खुला, मतलब दो अधिक है और एक कम है। ठीक है, वैसे ही पांच, एक दो तीन चार पांच, और इधर है तीन, एक दो तीन। देखिए कौन सा अधिक है, पांच अधिक है, तो पांच की ओर मुंह खुला। यहाँ पर देखिए आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और यहाँ है केवल चार, एक दो तीन चार। आठ लेंगे या चार लेंगे? आठ लेंगे, आठ अधिक है, तो आठ की ओर मुंह खुला। तो यह
हमेशा ध्यान रखिए, जो बड़ी होगी उसी की ओर मुंह खुला होगा चिन्ह का, क्योंकि हम बड़ी लेना पसंद करते हैं। अगर दो रोटियां हैं किस तरह से मीठी रोटी बड़ा अच्छा, तो आप चाहेंगे कि यह जो बड़ा रोटी है वो आपको मिले या आप खाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ऐसे और कुछ संख्याएं लीजिए और उसके साथ यह एक्टिविटी कीजिए।